एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे HSSC की साइट पर अभी भी जो है एक नया नोटिस है जो जारी किया गया है, जो ये भर्ती के रिगार्डिंग है, ये कलर की भर्ती के रिगार्डिंग नया नोटिस है। इसमें कुछ उम्मीदवारों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर बायोमेट्रिक्स तक का दोबारा मौका दिया गया है। क्या वो नए कैंडिडेट है या पहले वाले कैंडिडेट हैं, इसमें बारे में बात करेंगे। जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये कब तक क्लियर हो जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भी लगी हुई है, और क्या कलर की एक और वेटिंग लिस्ट लग सकती है इसके बारे में बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस नोटिस में आने के बाद की कलर की एक और वेटिंग लिस्ट लग सकती है या नहीं, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो अब आ गए हम ऑफिशियल नोटिस पर। यहाँ पर आप साफ देख पाओगे आज ही की डेट का नोटिस है, द नोटिस ऑफ द कैंडिडेट फॉर द रिस्क्रूटनी, मतलब दोबारा से स्क्रूटनी कराने के लिए, मतलब इन उम्मीदवारों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पहले भी हो चुकी है, एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द बायोमेट्रिक्स एंड फेशियल डाटा फॉर द पोस्ट ऑफ क्लरिकल। तो कलर की इसके लिए होगी आपकी बायोमेट्रिक्स होगी, फेशियल वेरिफिकेशन होगी, दोबारा से ये पहले से ही कैंडिडेट हैं जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट के लिए जो हैं बुलाए जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर 12/8/4 द पोस्ट ऑफ क्लर्क द फ्लोइंग रोल नंबर, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, कम से कम 20 रोल नंबर के करीब ये रोल नंबर हैं। तो यहाँ पर देख पाओ और आगे आप देख पाओगे इसमें द कमीशन हैज डिसाइड टू कॉल द कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर ये फॉर द बायोमेट्रिक्स एंड फेशियल वेरिफिकेशन ऑन द डेट 12/8/2022 12 अगस्त को जो इनको भी आना है। यहाँ पर आगे देख पाओगे दे आल्सो बियरिंग, तो इनको आपको फोटोस्कोपी और डाउनलोड करके जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो लेकर आनी होगी। इन कैंडिडेटों को जो है लास्ट मौका दिया गया है। वहीं आप देख पाओगे 5 अगस्त का जो इनका आज ही की डेट का ये नोटिस है। ये अगर बात की जाए इन कैंडिडेटों की, तो आपको पता होगा जब रिजल्ट का वेट हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है डेट बढ़ाने की बात की गई थी, तो ये वही उम्मीदवार हैं जो डेट बढ़ाने के लिए कह रहे थे, तो उनको जो वेरिफिकेशन के लिए है जो दोबारा बुलाया गया है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट है जो कलर की, तो कुछ उम्मीदवारों के 58 के करीब तो क्लियर हो चुकी थी, तो और बचे हुए कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट जब क्लियर होगी, जब ये सारे केस निपट जाएंगे और जो कैंडिडेट 6 से 8 महीने के अंदर जो डिपार्टमेंट एंड नोटिस देगा जो ज्वाइन नहीं करेगा तो वैकेंट रहेगी, तो उसकी जगह जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है जो वेटिंग लिस्ट है 100% क्लियर होगी सभी कैंडिडेटों की जो भी वेटिंग लिस्ट में है। और अब बात कर लेते हैं दूसरी वेटिंग लिस्ट की, इसके अलावा कोई भी वेटिंग लिस्ट है जो नहीं आने वाली, ये बात भी क्लियर है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पर इजीली है जो ज्वाइन कर सकते हो, और ये PDF भी वहाँ पर आपको ग्रुप में जो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और कोई भी इंक्वायरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनली मैसेज करके उसके रिगार्डिंग आप है जो पूछ सकते हो। और कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम होते हैं मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो ये ग्रुप है जो ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।